सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मोटोरोला की। तो दोस्तों, मोटोरोला की तरफ से मोटो एज एक्स या फिर दोस्तों मोटो एज 30 अल्ट्रा आप जिसे कह सकते हैं, इस स्मार्टफोन की पूरी स्पेसिफिकेशन, साथ ही स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है, इस स्मार्टफोन की पूरी डिटेल यहाँ पर लीक हो चुकी है। पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो इस फोन के अंदर आपको 6.67 इंच की FHD प्लस वाली 144 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। Qualcomm Snapdragon 898 का आपको यहाँ पर चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर 50+50+ 2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है। जहाँ तक बात है सेल्फी कैमरा की, तो आपको यहाँ पर 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी होगी और आपको यहाँ पर 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस बार आपको यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर 8 और 12 GB रैम के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 128 और 256 GB की इनबिल्ट स्टोरेज भी देखने को मिलने वाली है। और गाइस, जो स्मार्टफोन है ये आपको कैसा देखने को मिलने वाला है वो भी यहाँ पर लीक हो चुका है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मोटोरोला की तरफ से मोटो G31 ये स्मार्टफोन भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। और फिलहाल के लिए यहाँ पर 91 मोबाइल्स की तरफ से इस स्मार्टफोन की लीक स्पेसिफिकेशन और साथ ही ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है वो भी यहाँ पर लीक हो चुका है। बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की दोस्तों, स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.4 इंचेस की FHD प्लस वाली OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। साथ ही 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर 3.5mm हेडफोन जैक के साथ में देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको स्मार्टफोन का लुक कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप यहाँ पर ओप्पो की दोस्तों। यार, तो ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो 7 सीरीज, ये सीरीज भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। और फिलहाल के लिए यहाँ पर ओप्पो रेनो 7 ये स्मार्टफोन यहाँ पर टेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट कर लिया गया है, जिसका मॉडल नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा PFD M00। और इसके साथ में यहाँ पर स्मार्टफोन की कुछ की स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी लीक हो चुकी हैं। बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.6 इंचेस की FHD प्लस वाली 90 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। कैमरास की बात करें तो आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX766 वाला सेंसर देखने को मिलने वाला है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का IMX615 का ही सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, साथ ही आपको यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल चैट स्टेशन इंजन ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि ओप्पो की तरफ से आने वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन दोस्तों हमें अगले महीने ही चाइना के अंदर लॉन्च होता हुआ भी देखने को मिलने वाला है। इंडिया लॉन्च की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर डाइजो की तरफ से एक नए वायर्ड ईयरफोन को लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पर आपको 11.2mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे। HD माइक्रोफोन दिया गया है और अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर टैंगल फ्री केबल देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको 90 एंगल वाली ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगी। बात कर ले प्राइसिंग की, तो ये लॉन्च किया गया है यहाँ पर 600 रुपये की प्राइस पर। साथ ही ये डाइजो का ईयरफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है और इसके की स्पेसिफिकेशंस वगैरह आप यहाँ पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बात कर लेते हैं अब यहाँ पर सैमसंग की। तो सैमसंग की तरफ से अभी आपको बहुत जल्द एक नया 5G स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन होगा सैमसंग का गैलेक्सी A13 5G। स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.48 इंचेस की FHD प्लस वाली LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। साथ ही MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 50+5+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है। 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के साथ में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। 4GB की रैम, 6GB की रैम और 8GB की रैम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ पर 64 और 128 GB की इनबिल्ट स्टोरेज भी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल के लिए दोस्तों, ये स्मार्टफोन यहाँ पर FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट कर लिया गया है, जिससे दोस्तों ये कंफर्म हो गया कि ये स्मार्टफोन आपको बहुत जल्द ग्लोबल मार्केट में और उसके बाद इंडियन मार्केट में भी अब देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग की तरफ से आने वाले फ्लैगशिप सीरीज के एक स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस ये स्मार्टफोन यहाँ पर Geekbench वेबसाइट पर स्पॉट कर लिया गया है, जहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 898 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। 8GB तक की रैम होगी और Android 12 के साथ में ये स्मार्टफोन भी आपको अगले साल अब लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब यहाँ पर Xiaomi की। तो Xiaomi की तरफ से बहुत जल्द आपको एक नया गेमिंग मॉनिटर देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर 4K तक की रेजोल्यूशन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा।
फिलहाल के लिए दोस्तों ये मॉनिटर यहाँ पर TUV Rinnlund सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट कर लिया गया है, जिसका मतलब कि यही वाला मॉनिटर आपको बहुत जल्द ग्लोबल और उसके बाद इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर Xiaomi की तरफ से 12 सीरीज भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पर डिजिटल चैट स्टेट इंजन के हिसाब से Xiaomi के 12 सीरीज वाले स्मार्टफोन के अंदर हमें यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलने वाला है। इन सभी के अलावा दोस्तों यहाँ पर Redmi की Note 11 सीरीज, जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको इंडिया में एज अ Xiaomi 11i, 11i हाइपर चार्ज और साथ ही यहाँ पर Redmi Note 11T 5G नाम से देखने को मिलने वाली है। ये सीरीज आपको इसी महीने के एंड तक इंडिया में लॉन्च होते हुए भी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों Xiaomi की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi की यार, तो Redmi की तरफ से आने वाले Redmi 9A और 9A Sport, जी हाँ दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग में 300-300 रुपए और भी बढ़ा दिए गए, जिसका मतलब दोस्तों यहाँ पर Redmi 9 और 9A इन दोनों स्मार्टफोन के जो बेस वेरिएंट थे 2GB रैम 32GB इनबिल्ट कैमरा के साथ में पहले आपको मिलते थे 6,999 रुपए की प्राइस पर, अब वो आपको मिलेंगे यहाँ पर 7,299 रुपए की प्राइस पर। और इनके अलावा दोस्तों इनके जो टॉप वेरिएंट है जहाँ पर आपको 3GB रैम 32GB इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाती है, ये अब आपको देखने को मिलने वाले हैं 8,299 रुपए की प्राइस पर। थोड़ी सी जेबें और ढीली करने के लिए आप तैयार हो जाइए। बात कर लेते हैं यहाँ पर MediaTek की तरफ से आने वाले MediaTek Dimensity 2000 प्रोसेसर के बारे में, जी हाँ दोस्तों 4nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है। दोस्तों इस चिपसेट को यहाँ पर Vivo के एक स्मार्टफोन में टेस्ट किया जा रहा है, और दोस्तों अगर हम यहाँ पर Antutu स्कोर्स की बात करें तो वो यहाँ पर लीक होकर आ चुके हैं, और गाइस Antutu स्कोर्स देख करके आप यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको 1 मिलियन के स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी दोस्तों यार काफी धमाकेदार प्रोसेसर होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है Qualcomm Snapdragon 898 के मुकाबले में ये प्रोसेसर आपको कैसा लगा यार, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर आखिरी न्यूज की, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को आप मिस ना कर दें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर आखिरी न्यूज की, तो आखिरी न्यूज है यहाँ पर Realme की तरफ से। दोस्तों जीवन का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो दोस्तों यहाँ पर Realme की तरफ से Realme G1 और साथ ही Realme Y6 ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको बहुत जल्द यूरोपियन मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। और इतना ही दोस्तों यहाँ पर मुकुल शर्मा जी ने इन दोनों स्मार्टफोन की Realme की ऑफिशियल वेबसाइट यानी दोस्तों यूरोप की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्हें स्पॉट कर लिया गया है, जिसका मतलब दोस्तों कि ये दोनों स्मार्टफोन कंफर्म तौर पर यूरोप में बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं। और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर Realme Y6 ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों एयरटेल की ऑफिशियल एप्लीकेशन में दोस्तों यहाँ पर Realme Y6 स्मार्टफोन को 4G डिवाइसेस की लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जिसका मतलब गाइस कि ये स्मार्टफोन भी आपको इंडिया में अब बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों यहाँ पर Realme 9i, 9 Pro और इसके अलावा यहाँ पर Realme Narzo 50 Pro ये तीनों स्मार्टफोन भी यहाँ पर IMEI डेटाबेस साइट पर स्पॉट कर लिए गए हैं, इसका मतलब कि ये सीरीज भी आपको बहुत ही जल्द अब लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।